नीमच के जिला चिकित्सालय में नॉर्मल डिलीवरी के 3 घंटे बाद 26 वर्षीय महिला की मौत के चलते परिवारजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जिला अस्पताल का घेराव कर लिया है। डॉक्टर के खिलाफ जांच और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में इकट्ठा हो गए हैं। परिवारजनों का कहना है कि बघाना की लोधा मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय नीलम पति राहुल लोधा को 15 सितंबर को प्रसव हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इसके बाद स्टाफ ने मरीज को डॉक्टर सुजल गुप्ता के घर दिखाने के लिए मजबूर करके भेजा। डॉक्टर द्वारा फीस भी ली गई, 400 रुपए फीस लेकर आगे इलाज हेतु 2000 रुपए की मांग की गई। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बड़ी मुश्किल से परिवारजनों ने रुपए की व्यवस्था करके डॉक्टर सुजल गुप्ता को 2000 रुपए दिए। इसके बाद मरीज को पुनः जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया गया। 16 सितंबर की शाम 6 बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई, डिलीवरी नर्स द्वारा कराई गई। इसके थोड़ी देर बाद प्रसूता महिला नीलम को ब्लीडिंग होने लगी। परिजनों का कहना है कि इस दौरान अचानक यहां मौजूद डॉक्टर कीर्ति बाला ने हाथ खड़े करके कह दिया कि जिसका इलाज चल रहा है उसे ही बताओ, ब्लड की व्यवस्था करने को कहा। रेफर करने की बात हुई, स्टाफ और डॉक्टर एक दूसरे को बताने की कहते रहे, लेकिन रात 9 बजे नीलम की दुखद मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एसडीएम ममता खेड़े, कांग्रेस नेता अमराज सिंह गुर्जर, पार्षद हरगोविंद दीवान, शशि कल्याणी, नीरज अहीर भी जिला चिकित्सालय पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी अस्पताल में मौजूद है। आए दिन जिला चिकित्सालय में इस तरह की घटनाएं हो रही है। परिवारजन इंसाफ न मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं करने पर अड़ गए हैं। जब मरीज यहाँ आया 2-3 घंटे के बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मैडम की बकायदा स्टाफ नर्स से बात हो रही थी, मैडम यहाँ पर स्टाफ नर्स के टच में थी। डिलीवरी नॉर्मल हुई, 2 घंटे बाद अचानक पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। एक डॉक्टर जो प्रेजेंट में यहाँ ओपीडी देख रहा है वो कहता है कि पेशेंट को उदयपुर लेके जाओ, जो डॉक्टर नहीं है और अचानक से आ गई वो कहती कि मैं पेशेंट को डील करूँगी। कौन ड्यूटी पर है कौन नहीं ये तो आपकी जाँच कमेटी ही बता पाएगी, लेकिन इन सब के उलट फेर में हमारा मरीज की डेथ हो चुकी थी। हमें तो घर पे लेट खबर मिली थी सर, यहाँ वो घटना पहले ही हो चुकी थी जब तक उसके पति को घुमा ही रहे थे, जो कि बिल्कुल मतलब वो अनपढ़ है, उसको नहीं पता है कि उसके साथ क्या घटना घट रही है। सिविल हॉस्पिटल उसको कितना घुमा रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि सुजाता गुप्ता मैडम ने उससे गलत पेपर पे लिख के सिग्नेचर भी करा है, काले कागज पे सिग्नेचर करा है, पति से और उस पर उन्होंने क्या लिखा है ये अब आपकी जांच कमेटी ही देखेंगी। ये हुआ है 15 तारीख को हम पेशेंट को यहाँ भर्ती किया हमने, 16 तारीख को डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसके बाद 2 घंटे बाद ब्लड जाना चालू हो गया उनके। 2 घंटे बाद ब्लड चालू हुआ, इन्होंने तत्काल इन टाइम पे इनको बोला कि इसको उदयपुर शिफ्ट करना हमें। अब उस समय आदमी संपत्ति भूल गया कि क्या करना चाहिए, ये मामला उलझाते रहिए, इधर से उधर पूछाते रहिए पेशेंट को, यहाँ से लाओ खून की बॉटल, यहाँ से वो लाओ, जब तक पेशेंट मर चुका था। नीमच से अब्दुल अली दानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।